आज हम बाटी सीजन 2 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम 16:02 में देखते हैं, जहां लोकी सभी को नाटक करके दिखा रहा होता है और ऊपर से थोर और हेला ये सब देख रहे होते हैं। तभी आसमान में एक हरा सा पोर्टल खुलता है जो कि सभी चीजों को अपने अंदर खींच रहा होता है। इससे लोकी ऊपर जाके उसमें जाने वाला होता है। तभी कैप्टन कार्टर उसे रस्सी से खींच के उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद हेला उसकी ओर खींचने लगती है तो कैप्टन कार्टर उसे भी पोर्टल में जाने से पहले पकड़ लेती है। पर वो आधी सी पोर्टल में जा चुकी होती है और उसका हाथ छूट जाता है, जिससे हेला उस पोर्टल में चली जाती है और वो बंद हो जाता है। इसके बाद थोर हेला की छड़ी को ले लेता है। फिर हैप्पी कहता है अब हमारा नया राजा थोर बन गया है, जिसके सामने सभी लोग झुक जाते हैं। फिर कैप्टन कार्टर थोर से सॉरी बोलती है कि वो रानी को नहीं बचा पाई, तो थोर कहता है तुम मुझसे सॉरी बोल रही हो, मेरी बहन चली गई, स्कारलेट विच ने तुम्हें यहाँ उसे रोकने के लिए बुलाया था। इसके लिए कैप्टन कार्टर उससे माफी मांग रही होती है, पर थोर उसकी कुछ भी नहीं सुनता और उसे पकड़ने को बोल देता है। तो कैप्टन कार्टर वहाँ से भागने लगती है और जाते हुए लोकी से का यूरिक ले जाती है, जिसके बाद थोर हैप्पी से स्कारलेट विच को बुलाने को बोलता है। इसके अगले सीन में हम कैप्टन कार्टर को भगते हुए देखते हैं और वहाँ बॉचर कह रहा होता है कि ये दुनिया तबाही की कगार पर है, जिसके बाद कुछ दिनों पहले बताता है जहाँ थोर ने स्कारलेट विच की मदद से दूसरे यूनिवर्स के योद्धाओं को बुलाया ताकि वे उनकी दुनिया बचा सके, और ऐसा पोर्टल पहले भी कई बार खुल चुका था। ऐसे ही वांडा ने दूसरे यूनिवर्स से कैप्टन कार्टर को लाया था, जिसे कि हम पिछले एपिसोड के लास्ट में देखे थे, और अब उनके सैनिक कैप्टन कार्टर को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद वॉचर कहता है कैप्टन कार्टर को यहाँ इनकी दुनिया बचाने के लिए बुलाया था और अब ये अकेली है। तो कैप्टन कार्टर उससे कहते हैं तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, जिसपे वॉचर उससे कहता है तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ रही हो जिसे तुम समझ नहीं सकती। फिर कैप्टन कार्टर कहती है 16 सेंचुरी और 21 सेंचुरी आपस में मिल गई है और अगर मैंने इसे ठीक करने का रास्ता नहीं ढूंढा तो ये यूनिवर्स बिखर जाएगा। जिसके बाद वॉचर उसकी ओर हाथ करते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में वापस लौटा देता हूँ, पर कैप्टन कार्टर उससे इसके लिए मना कर देती है। इसके अगले सीन में हम निक फ्यूरी को देखते हैं जो कि उन सभी से कहता है ये क्रैक की ताकत बढ़ती जा रही है और ये बार बार आ रहा है। तो थोर उनसे कहता है अभी हमारा बहुत बुरा वक्त चल रहा है और उनसे कार्टर को ढूंढने की कहता है। फिर स्कारलेट विच कहती है कार्टर इसकी वजह नहीं है, पर शायद वो हमारे बचने की एक की है, कोई है जो फ्यूचर से आया है, एक फोररनर जो इस वक्त में आके गुम हो गया। ये सब कैप्टन कार्टर निक फ्यूरी के पीछे से सुन रही होती है और निक फ्यूरी उससे कहता है इसे ढूंढना ही तुम्हारा मिशन है। जिसके बाद कैप्टन कार्टर टोनी के पास जाती है और उसे जगाती है। फिर उसे वो लोकी का कंकाल दिखाती है जिसमें कि उस क्रैक के निशान लग गए होते हैं। फिर टोनी उसे चेक करके बताता है तुम सही हो, इसमें एनर्जी है। जिसके बाद कैप्टन कार्टर उससे कहती है मुझे एक इंसान की तलाश है जो कि फोररनर है और वो पहला इंसान है जो फ्यूचर से इस वक्त में आया है। तो टोनी उससे पूछता है फोररनर के पास भी इसके जैसी एनर्जी होगी, जिसपे कैप्टन कार्टर हमें जवाब देती है। फिर टोनी कहता है मैं ऐसी चीज बना तो दूंगा लेकिन मुझे इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए कैप्टन कार्टर को थोर के सेप्टर का ख्याल आता है। तो टोनी कहता है मुझे लगता है कि तुम उसे चुराने वाली हो। फिर हम लोकी को देखते हैं जो कि अपने साथ बैठों को पकाता हुआ जंगल से जा रहा होता है। तभी वहाँ रोजर सोडोर उसके साथ ही आ जाते हैं जो कि बकी और एंटमैन होते हैं और उन्हें लूट रहे होते हैं। तभी वहाँ कैप्टन कार्टर आ जाती है, जिसे देख के रोजर्स कहता है जो मुझे याद है वो कार्टर तो पहले ही मर गई। तो कैप्टन कार्टर कहती है अच्छा हम इस यूनिवर्स में मर गई, तो उसे ये सब कहने के लिए सॉरी बोलती है। तभी लोकी मौका देख के वहाँ से निकल लेता है। फिर कैप्टन कार्टर रोजर्स से कहते हैं यहाँ कोई जगह है जहाँ मैं तुमसे बात कर सकूँ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। फिर रोजर्स कैप्टन कार्टर को अपनी जगह पर ले आता है जहाँ कैप्टन कार्टर स्टीव रोजर्स को सब कुछ बता देती है। और फिर रोजर्स उसे कहता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ राजा के सेप्टर चुराने में। फिर कैप्टन कार्टर उसे कहती है मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी पैगी नहीं हूँ लेकिन क्या तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे। तो इसके लिए स्टीव रोजर्स मान जाता है और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ येलो जैकेट्स आ जाते हैं जो कि एंटमैन की तरह छोटे बड़े हो सकते हैं। इसके बाद वे सभी मिलकर उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और नीचे हैप्पी होगन होता है जो कि कार्टर को पकड़ने के लिए आया होता है। फिर हम उन सभी को देखते हैं जो कि येलो जैकेट से लड़ रहे होते हैं और लड़ते हुए रोजर्स कार्टर से कहता है तुमने बताया नहीं कि तुम्हें राजा ढूंढ रहा है। फिर कार्टर उसे बताती है कि उसे लगता है कि मैंने उसकी बहन को मारा है। जिसके बाद दोनों मिलकर येलो जैकेट से लड़ने लगते हैं। फिर हैप्पी होगन डिस्ट्रॉयर को बुला लेता है जो कि उन पे हमला करके उनका घर तबाह कर देता है। जिसके बाद कैप्टन कार्टर रोजर्स इनको जाने को बोलती है और उससे कहते हैं तुम बस सेप्टर ले आओ। इसके लिए स्टीव नहीं मानता लेकिन उसके मनाने पर मान जाता है। फिर हम एंटमैन को देखते हैं जो कि डिस्ट्रॉयर के सामने जाके उनकी सेना को तबाह करवा रहा होता है। जिसके बाद वहाँ कैप्टन कार्टर डिस्ट्रॉयर से लड़ने के लिए आ जाती है और एंटमैन को वहाँ से जाने को बोलती है। फिर डिस्ट्रॉयर कैप्टन कार्टर पर हमला करता है जिसे कि कैप्टन कार्टर अपनी सील से रोक रही होती है। इसके बाद हैप्पी होगन कैप्टन कार्टर को पकड़ लेता है और उसे जेल में बंद कर देता है जहाँ उसे बॉचर मिलने के लिए आता है और उसे वापस उसके यूनिवर्स में लौटाने की कहता है। जिसपे पैगी उससे कहती है अगर मैंने फोररनर को ढूंढ लिया तो मैं इस यूनिवर्स को बचा सकती हूँ और बॉचर से कहती है तुम्हें पता है कि वो कौन है। तो वॉचर उससे कहता है मैं आने वाले इवेंट्स को क्लियर नहीं देख पाता पर इस यूनिवर्स का तबाह होना तय है।
जिसके बाद कैप्टन कार्टर खुद को आजाद करते हुए उसे कहती है, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर रहे तो मेरे रास्ते में मत आओ। फिर कैप्टन कार्टर सैनिकों से लड़ते हुए कमरे के पास पहुंच जाती है, जिसमें कि ब्रूस होता है। तो कैप्टन कार्टर उसे कहते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में रोजर्स ने बताया है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो ब्रूस कहता है, मैं ऐसा और नहीं करना चाहता, और उसे वहां से जाने को बोलता है। तो कैप्टन कार्टर उन सिपाहियों को बुला लेती है और साइड में हो जाती है, जिससे वे ब्रूस के दरवाजे पर गोलियां चला रहे होते हैं। इससे ब्रूस हल्के में बदल जाता है और फिर कैप्टन कार्टर उसके साथ वहां से भाग जाती है। जिसके बाद कैप्टन कार्टर ब्रूस को अपने साथ लेके टोनी के पास आ जाती है, जहां टोनी वो मशीन बना लिया होता है और उन्हें उसे दिखाता है। फिर कैप्टन कार्टर उसे कहते हैं, क्या हम इससे फोररनर को ढूंढ सकते हैं? तो टोनी कहता है, हाँ, और वो जहाँ से आया उसे वहाँ भेज देगा, बस हमें यहाँ स्टोन लगाना है। इसके बाद स्टीव भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और कैप्टन कार्टर को उसकी सील लौटा देता है। इसके बाद वे सभी रिसेप्टर में लगे हुए स्टोन को लेने के लिए प्लान बनाते हैं। और जब महल में कोर्ट सीजन चल रहा होता है, तब वे सभी बेस बदल के उसके अंदर चले जाते हैं। फिर थॉर ये सब स्टार्ट कर रहे होते हैं, तभी वो क्रैक फिर से आ जाता है, जिसे कि स्कारलेट विच अपने मैजिक से रोकने लग जाती है। फिर रोजर्स कार्टर से स्टार्ट करने को बोलता है, तो कार्टर उससे कहती है, अभी हमें सिग्नल मिलने तक रुकना होगा। तभी वहाँ हल्का जाता है और उन्हें सिग्नल देता है, जिसके बाद वे सभी उनके सामने जाते हैं। तो होगन उन्हें रोकने के लिए सेना भेज देता है, जिनसे कि वे सभी मिलके लड़ रहे होते हैं। फिर थॉर लोकी से पूछता है, मेरा हैमर कहाँ है? तो लोकी उससे कहता है, मैंने उसे रिप्लेस कर दिया। जिसके बाद स्कारलेट विच उनसे कहती है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। फिर हम टोनी को देखते हैं, जो कि उस डिवाइस को नीचे ले जा रहा होता है, और वे सभी नीचे लड़ रहे होते हैं, जहाँ रोजर्स हैप्पी से लड़ रहा होता है और लड़ते हुए उसकी टोपी काट देता है, जिससे हैप्पी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। इसके बाद कैप्टन कार्टर थॉर के पास जाती है और उसे स्केप्टर देने को कहती है। तो थॉर उसे लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, जो कि वाइब्रेनियम की बनी होती है, और फिर कैप्टन कार्टर से लड़ने लग जाता है। दूसरी ओर स्टीव पर हैप्पी भारी पड़ रहा होता है, तो हल्क उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। इसके बाद हैप्पी और हल्क दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर हम कैप्टन कार्टर को देखते हैं, जो कि थॉर से लड़ रही होती है, और टोनी डिवाइस को लेकर नीचे आ जाता है। फिर हम कैप्टन कार्टर और थॉर को देखते हैं, जो कि लड़ रहे होते हैं, जहां स्कारलेट विच थॉर को रोकने लग जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, वक्त निकला जा रहा है। जिसके बाद फ्यूरी सेप्टर को छीन लेता है और स्कारलेट विच फ्यूरी से सेप्टर को स्टार्क के पास ले जाने को बोलती है, जिसके बाद फ्यूरी सेप्टर को स्टार्क को दे देता है और फिर स्टार्क सेप्टर में से स्टोन को निकाल के अपने डिवाइस में लगा देता है, पर वो डिवाइस स्टार्ट नहीं होता, इसलिए टोनी उसे स्टार्ट करने के लिए लग जाता है। फिर हम थॉर को देखते हैं, जिसे कि स्कारलेट विच ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती और वो स्कारलेट विच पे ही अपनी बिजली दे देता है, जिससे उसका लगाया हुआ मैजिक उस क्रैक से हट जाता है और थॉर कैप्टन कार्टर और टोनी की ओर बढ़ रहा होता है। तभी टोनी उस डिवाइस को सही कर देता है, जिसके बाद थॉर हमला करने के लिए आता है, तब तक कैप्टन कार्टर उसे अपने हाथ में फेल लेती है और उसे स्टार्ट कर देती है। फिर उन सभी को पता चलता है कि वो फॉरेनर रोजर्स होता है। इससे पेगी को भी बहुत बुरा लगता है और उससे पूछती है, ये कैसे? फिर स्टीव उसे बताता है कि वो एक एलियन से लड़ रहा था, जो कि थेनोस होता है, और उससे लड़ते वक्त कैप्टन उसके टाइम स्टोन पे मार देता है, जिसके बाद वो क्रैक धीरे धीरे मिटने लगता है। तो थॉर उसे ये सब जल्दी करने को कहता है। तो पेगी स्टीव से उदास होती हुई कहती है, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। तो रोजर्स उससे कहता है, शायद कोई और दुनिया में हम साथ होंगे। और फिर रोजर्स उस स्टोन को दबा देता है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है और साथ ही वे सब भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैप्टन कार्टर वहाँ से उदास एक बार में बैठी होती है, जहाँ उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है। उसे लगता है कि वो वॉचर है, पर वो सुप्रीम स्ट्रेंज होता है, जिसे देख के पेगी उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर स्ट्रेंज उससे कहता है, मेरे पास एक कहानी है तुम्हें बताने के लिए। इसी के साथ ही वाटिफ सीजन 2 का एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। आई होप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इससे पहले के एपिसोड्स भी चैनल में है, आप लोगों ने नहीं देख रखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं और इसका फाइनल एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जल्दी आ जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।